देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 3 दिसंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 50 नए मामले, मौतें 1 और 24 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 318 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 657 नए मामले सामने हैं, 667 रिकवरी हुई हैं, 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7690 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 32 नए कोविड-19 मामले, 18 रिकवरी, 1 मौत दर्ज की गई। सक्रिय मामले 344 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 27 नए मामले आए हैं, 8 रिकवरी हुई है, कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 178 है। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 189 नए मामले सामने हैं, 137 रिकवरी हुई हैं, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामले 3680 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 124 नए मामले सामने आए हैं, 198 रिकवरी हुई हैं, 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2535 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 363 नए मामले सामने आए हैं, 191 मरीज ठीक हुए हैं, 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 6772 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 22 नए कोरोना के मामले, 18 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 182 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना के 715 नए मामले सामने हैं, 748 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 8155 हैं। नंबर 10, पौंडिचेरी में आज 33 नए कोरोना के मामले, 23 रिकवरी दर्ज की गई है, कोई भी मौत नहीं हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 299 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं, इस कोरोना से 16 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामले 367 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 159 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 169 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2138 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 11 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 213 हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 4700 नए मामले सामने आए हैं, 4128 रिकवरी हुई हैं, 320 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 45030 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, मौत कोई भी नहीं हुई है, 8 ठीक हुए हैं और सक्रिय मामले 128 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं, 13 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से 1 मौत हुई है। सक्रिय मामले 95 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 85 नए मामले सामने आए हैं, 113 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 835 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 663 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 4 लोग कोरोना से ठीक हुए, इस दौरान 1 मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 32 है। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 252 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 276 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 2211 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 8 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 94 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 776 नए मामले सामने हैं, 952 रिकवरी हुई हैं, 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामले 10882 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं, 11 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 93 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 217 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 196 रिकवरी हुई है, कोरोना से 1 मौत हुई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 307 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 8 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 36 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 5 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 65 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 117 नए कोरोना के मामले, 167 रिकवरी, कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1697 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 25 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 296 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 315 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 368 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 3717 हैं। तो ये थे आपके राज्यों की 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।